प्लस माइनस वाला, दैट इज चिंदी. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर अ सिंपल फॉर्मूला. व्हाट इज अ फॉर्मूला? पीएनएल डेबिट में यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला, टू बीडी प्लस एफबीडी प्लस एनआरडीडी माइनस ओआरडी. टू बीडी प्लस एफबीडी प्लस एनआरडीडी माइनस ओआरडी. मतलब क्या है? देखो ईयर वन में, ईयर वन में यही फॉर्मूला एफ आई अप्लाई. तो समझो बीडी एफबीडी को मैं मर्ज कर देता हूं. एक्चुअली बीडी और एफबीडी में फर्क सिर्फ इतना है, बीडी मीन्स रिकॉर्डेड बैड डेट्स एंड एफबीडी मीन्स अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स. बीडी मीन्स, एफबीडी मीन्स. तो बीडी जो है ट्रायल बैलेंस में दिखेगा. बीडी कहां दिखेगा? ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड. एफबीडी कहां दिखेगा? एडजस्टमेंट, क्योंकि अनरिकॉर्डेड. समझा? समझा कि नहीं? तो बीडी इज रिकॉर्डेड, एफबीडी इज अनरिकॉर्डेड. तो ट्रायल बैलेंस का आइटम हैज गॉट हाउ मेनी इफेक्ट्स? वन. एडजस्टमेंट का टू. तो वन इफेक्ट इज हियर, दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ एफबीडी. एनआरडीडी विल ऑल्सो अपियर इन एडजस्टमेंट. एनआरडीडी विल ऑल्सो अपियर इन, क्योंकि एफबीडी के बाद क्रिएट किया है हमने नेक्स्ट ईयर के लिए. एंड ओआरडीडी विल अपियर इन ट्रायल बैलेंस. व्हाई ओआरडीडी विल अपियर इन ट्रायल बैलेंस? व्हाट इज ओआरडीडी? लास्ट ईयर का रिजर्व है, तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, तो ट्रायल बैलेंस पे. ओके, नाउ बीडी का कितना इफेक्ट आएगा? बीडी का एक, ओआरडीडी का एक, एफबीडी एनआरडीडी का दो. फॉर्मूला याद रखना है, टू बीडी प्लस एफबीडी प्लस एनआरडीडी माइनस ओआरडी. बीडी मतलब बैड डेट रिकॉर्डेड. मेरा साल का रिकॉर्डेड बैड डेट से 100 रुपया. साल का बैड डेट से कितना? 1 मिनट, लास्ट मिनट. बैड डेट इज 100 रिकॉर्डेड. एफबीडी और अनरिकॉर्डेड बैड डेट हो गया 500. प्लीज लुक एट द बुक. तो टोटल लॉस अभी तक कितना हो गया? 600. कितना हो गया? 600. नाउ एनआरडीडी का मतलब क्या है? नेक्स्ट ईयर का एंटीसिपेटेड लॉस. नेक्स्ट ईयर में वो लगता है 700 का बैड डेट्स होगा. कितने का होगा? 700. तो ये भी लॉस. तो ये तीनों लॉस है. बीडी 100 रुपया, एफबीडी 500-600 हो गया टोटल, और 700, 1300 का लॉस हो गया. व्हाट इज ओआरडीडी? लास्ट ईयर का एनआरडीडी 700. लास्ट ईयर का 700, तो नेक्स्ट ईयर का क्रिएट किया, बनाया. ओआरडीडी क्या है? पिछले साल बनाया हुआ है. तो पिछले साल में मैंने 400 का बनाया था. कितने का? 500. 400 बनाया था, 400 का. मेरे को लगा था 400 का बैड डेट्स होएगा. कितने का बनाया था मैंने? 400. तो वो जो ओआरडीडी है वो ये साल के लॉस को बढ़ाएगा कि घटाएगा? इसलिए माइनस करने का. तो नेट लॉस कितना? इसको लॉजिकली सोचो, लास्ट ईयर कितने का रिजर्व था? 400 का रिजर्व था. इस साल बैड डेट्स एफबीडी मिला के कितना हो गया? 600 का हुआ. तो लॉस अब्सॉर्ब कितना हुआ? 400. एक्सेस लॉस 600 माइनस 200. एक्सेस लॉस इज 200. 600 माइनस 400. 600 माइनस 400 एक्सेस लॉस इज 200 और नया 700 का. तो टोटल लॉस दैट गोज टू 600. इन दिस एग्जाम्पल आई राइट द सेम फॉर्मूला. टू बीडी प्लस एफबीडी प्लस एनआरडीडी माइनस ओआरडी. ओके, फर्स्ट ईयर देर वॉज नो बैड डेट्स. आई अज्यूम इट इज नील. नथिंग वॉज रिकॉर्डेड. हाउ मच वॉज एफबीडी? 5000. करेक्ट. हाउ मच वॉज एनआरडीडी? 7000. वॉज देर एनी ओआरडीडी इन द फर्स्ट ईयर? नो, नहीं था. समझा क्यों? ये पहले साल में कुछ क्रिएट ही नहीं किया. तो टोटल लॉस 12000. कैन यू सी द लेजर? ये 7 आरडीडी का और ये पीएनएल टू एफबीडी का 5. 12 हुआ. दिख रहा है ये 12 सेमी आए. समझा कैसे?
पांच एफबीडी का लॉस, सात एनआरडीडी का लॉस, टोटल लॉस बाय, यही हम फॉर्मूला में दिखा रहे हैं. सेम थिंग इज शोन अंडर फॉर्मूला. ईयर टू में देखो, ईयर टू सेम फॉर्मूला, टू बीडी प्लस एफबीडी प्लस एनआरडीडी माइनस ओआरडी. नाउ ईयर टू में अपने पास सब कुछ है, खाली बैड डेट्स नहीं है. बैड डेट्स नहीं है, अज्यूम्ड इट इज एफबीडी कितना होगा, एनआरडीडी कितने का, एनआरडीडी यहां पे ये रहा एनआरडीडी नाइन. कैन यू सी दिस. ओआरडीडी कितने का था लास्ट ईयर वाला, ये रहा सेवन का, सेवन का ना, ये रहा सेवन. तो नेट लॉस कितना हुआ, टेन. टेन का लॉस हुआ. कैन यू सी योर बाय पीएनएल कितने का हुआ, बाय पीएनएल नाइन. पीएनएल में ये आरडीडी वाला लॉस नाइन है, और प्लस वन कहां से है, ये एक्स्ट्रा बैड डेट्स क्योंकि अपना रिजर्व कम पड़ा. तो टोटल लॉस कितना हो गया, टेन. कैसा टेन समझा, लास्ट ईयर का रिजर्व कम पड़ा इसलिए 1000 का लॉस और 9000 का नया रिजर्व का लॉस. टोटल लॉस इज 10. डिड यू अंडरस्टैंड दिस 10 का थिंग, सुहानी जी नहीं समझा. लास्ट ईयर का रिजर्व वाज 7 ना, एंड बैड डेट्स कितना हुआ, 8. तो एक का लॉस वेंट टू पीएनएल, एंड नया रिजर्व कितने का क्रिएट किया, 9. तो टोटल पीएनएल कितने से डेबिट हो रहा है यहाँ पे, 1 प्लस 9. दिस वन, ये वन कहां से आया, ये वन बैड डेट ज्यादा हो गया इसका, और ये एनआरडीडी का नया क्रिएट. तो टोटल लॉस इज 10. लास्ट ईयर का टोटल 12 समझा था, लास्ट ईयर का टोटल 12 वाज व्हाट, एफबीडी, एफबीडी एंड एनआरडीडी का लॉस था. ओके, नेक्स्ट ईयर का यू टेल मी नाउ व्हाट फॉर्मूला विल, व्हाट वैल्यूज विल पुट ओवर हियर, 2BD प्लस FBD प्लस NRDD माइनस ORDD. यू थिंक एंड टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD? FBD BD है कुछ नहीं, नहीं. FBD कितना, 8 हुआ पक्का. NRDD कितना आएगा, NRDD कितना, 10. ये रहा ORDD कितना, 8. ORDD वॉज योर 9. जो एनआरडीडी था ना लास्ट ईयर का, वही ORDD है ये साल का. दो जगह डेबिट हो रहा है इधर, दिख रहा है, दैट इज 9. सो व्हाट्स योर टोटल लॉस, 9. लॉजिकली समझो, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मैंने कितने का रिजर्व रखा था, सर ORDD लास्ट ईयर का अमाउंट आएगा, सर ORDD लास्ट ईयर का ORDD में ORDD का ही अमाउंट आएगा, जितना क्रिएट किया ना नाइन वही आएगा. तुम लॉजिकली सोचो, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कितने का रिजर्व रखा था, नौ का रखा था. लॉस कितने का हुआ ये साल, 8 का हुआ. लॉस कितने का हुआ, 8. रिजर्व कितना था, 9. तो पूरा लॉस अब्सॉर्ब हो गया, पीएनएल में कुछ गया नहीं. इनफैक्ट रिजर्व, रिजर्व 1 का बचा था, तो कहने से पीएनएल में गेन हुआ 1 का. 1 का गेन था पीएनएल में, 1 का गेन था पीएनएल में. और एंटीसिपेटेड रिजर्व कितना क्रिएट प्लस नेक्स्ट ईयर का, ये लॉस है. 1 का गेन और 10 का लॉस, नेट लॉस नो. नाम ना नहीं है ना कंसेप्ट वही है जो मैंने बताया, खाली इधर पूरा फॉर्मूला से नेट अमाउंट मिल जाता है. अभी सुनो, इन योर पेपर, इन योर क्वेश्चन, तुमको कुछ सोचने का जरूरत नहीं है. तुमको वो चारों आइटम्स दिया रहेगा, 4 का 4 आइटम्स विल बी गिवन, एफबीडी बीडी एनआरडीडी एंड ORDD, सब कुछ दिया रहेगा, फॉर्मूला में डालने का और खत्म करने का. नाउ
एफबीडी एंड एनआरईडी आर इन एडजस्टमेंट्स. एफबीडी एंड एनआरईडी आर इन, सो दे हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स? टू. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ एफबीडी? प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये है, ये रहा पीएनएल डेबिट. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? बैड डेट्स क्या होता है? डेटर्स से कम. तो सेकंड इफेक्ट इज डेटर्स में से लेस एफबीडी. डेटर्स में से लेस एफबीडी. और व्हाट अबाउट एनआरडी? वो भी लाइबिलिटी है, बट लाइबिलिटी में दिखाने का नहीं, उसको क्या करने का, एसेट में से माइनस करके दिखाने का. तो दैट ऑल्सो विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डेटर्स. So both of them will be subtracted from, but the reasons are different. One is loss, one is liability. Just one problem will do. अरे एक दिन छोड़ दो ना, क्या चाहता है यार? Capacity ना is not like NL. Your capacity is worse than Somaiya. Some number four you take. Not. Third sum you take. Third sum. Third only. FBD is loss. FBD is bad debts. मतलब दोनों डेटर से माइनस. अबे तो आहा तो आप पहले खाली प्लस माइनस करवाना. तो नहीं बोलते बस दिस कंसेप्ट ना. आईपीसीसी स्टूडेंट्स दे डोंट नो दिस कंसेप्ट. दैट्स व्हाई आई गिव यू 1.5 आवर फॉर दिस. आईपीसीसी लेवल का स्टूडेंट को ये कंसेप्ट नहीं आता. वो लोग रट्टा मार के जाता है प्लस माइनस बचपन से दिखाएगा. हाँ ये फॉर्मूला है 2BD प्लस FBD प्लस NRDD माइनस ORDD. क्यों आता है, क्या आता है, कुछ यू ऑल्सो यू विल फील राइट नाउ इट इज हैवी, इट इज डिफिकल्ट, बट मीनिंग समझ में आएगा. और आगे जब भी कंसेप्ट अप्लाई करेगा ना, 50 टका नहीं जितना भी समझा अभी वो सब काम ही आने वाले. स्टार्टिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट, रिमेम्बर. थर्ड वन. अरे सर बात कर लो ना, मेरे बनाते हैं अभी साथ में. अरे एक मिनट आपको फटाफट आप पहले बना. आप सीधा एक मार्कर खींचोगे हो गया. सर फोर्टे की थर्ड कितना है सर एडजस्टमेंट उसमें? थर्ड बोला जो एक चीज बड़ी थर्ड साइड एग्जाम्पल बराबर है. और ये साल का नहीं है, एवरी ईयर का थिंग. व्हेनेवर आई एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट इट इज अ ब्लास्ट. दिमाग में ऐसा बम फूटता है सर. इट इज लाइक दैट. सबको समझा, लोग को भी समझाया है. सर वो लोग हो गया फाइनल काम. I never go directly by the formula. उनको है ना actually 11th में no one teaches this. उसे हमने क्लास में करवाता भी नहीं है. I also know that. I am मेरा क्लास में भी नहीं करवाया. But मैं खुद से सीखा है. I learned on my own this. So क्योंकि समझ में आएगा तो मतलब है तुमको बोल देगा फॉर्मूला तुम याद करेगा खत्म. क्या है पीछे कुछ फालू भी नहीं है. What sense does it make? मेरे को यहाँ मजा नहीं आता तुमको इधर बिठा के बोर करवा के ऐसा हैरान. हम लोग को ऐसा नहीं लगता है. हैरान करने बैठा यार. और ये तुमको एग्जाम में भी नड़ेगा नहीं. तुम लोग खाली फॉर्मूला करके जाएगा मार्क्स आने वाला. बट इट इज नॉट अबाउट मार्क्स. रिमेम्बर पूरा एडिंग वेडिंग बराबर लिखना.
And not only this, even the outstanding prepaid that I told you yesterday, that also many people they don't know. Even CA doing people they don't know. Outstanding prepaid. Why do you add outstanding? Why do you subtract prepaid? They don't know. Rankar, CA final ka rankar ko board se usko job nahi mila. Black mark aa gaya uska result. Rankar of CA final. All theoretical knowledge. Article se pura dummy kiya tha. Unko pata chal. Interview mein pura phad deta hai wo log. इंटरव्यू में सीधा इधर से चलेगा कंसेप्ट से बिजनेस में तुमको कोई ट्रायल बैलेंस बना के देगा एडजस्टमेंट देगा बोलेगा सीधा पोस्ट कर फाइनल अकाउंट बना ऐसा थोड़ी होने वाला है तुमको प्रैक्टिकली हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का है बनाने का अकाउंट हर एक चीज तुमको देखने का है Think always from that point of view. I told you this is not school now. College is open. IIM का interview था मेरा ही student था he cracked it but Bangalore का है he उसको पूछा what are the types of risks in business? ओ भाई ने बोला standard deviation. Variance वाला risk जो तुम्हारा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में करता है ना स्टैंडर्ड डिविएशन किया है डिविएशन फ्रॉम द नॉमिनल एवरेज वैल्यू सिग्मा वेरियंस हाँ तो उसमें बोला कि वो एक रिस्क है उसको पूछा और कोई टाइप्स ऑफ रिस्क नहीं है बोला नो आई डोंट नो एनी अदर रिस्क और बाकी क्वेश्चन वो क्लियर होकर चला गया अभी ये तुमको कोई प्रैक्टिकली पूछे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क इन बिजनेस There are n number of risks. Double n का risk है. Human risk है, human error का risk है, technological risk है, environmental risk है, war का risk है, government का risk है. So many risks are there. वो तुम खाली theory का एक risk पढ़ा है. ये risk होता है, ये normal होता है, ये abnormal होता है. वो answer करेगा तो. ऐसा कुछ क्या? IIM का इंटरव्यू तुम पढ़े ना IIM का इंटरव्यूज का पूरा क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिया हुआ है ऑनलाइन यूपीएससी का पढ़ो यूपीएससी का भी ऐसे ही रहता है उसका तो ऐसे भी टफ रहता है दोनों ना यार थियरी इतना सब कुछ थोड़ी है देखो चलो शीट ले लो मार्क करो Following is the trial balance of Mrs. Catherine. नहीं मिला है। तुम्हारा लिया नहीं? चलो थर्ड सर फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस कैथरीन ऑन 31st March 2011 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट स्टॉक ऑन 1/4/2010 विच स्टॉक इज दिस ओपनिंग स्टॉक ओके ओपनिंग स्टॉक वेयर इट शुड गो टीडी प्लीज मार्क ड्रॉइंग्स सी माइनस कैपिटल में से माइनस परचेजेस टीडी ट्रेडिंग डेबिट सेल्स रिटर्न्स माइनस टीसी लेस फ्रॉम सेल्स
Salaries, VLD. Rent and taxes, VLD. Insurance, VLD. Insurance मतलब insurance premium. Okay, P&L debit. Wages, VLD. Trading debit, PDD. Building, assets. Carriage, VLD. Carriage, freight, कुछ नहीं दिया तो TD. Direct expenses, machinery, asset. Sundry debtors, asset. Investments, asset. Cash in hand, asset. Bad debts, PLD. PNL debit. Discount allowed, PLD. Capital, liability. Capital is liability, perfect. Sales, TC. Trading credit. Purchase returns, minus. Less from purchase, trading debit. Bills payable, liability. Commission, PLC. PLC, very good. PNL credit, indirect income. Discount received, PNL credit. Interest, PNL credit. Sundry creditors, credit side, debit hai. समझा ना? इंटरेस्ट इज पीएनएल क्रेडिट. गाइस ऊपर कमीशन भी था. कमीशन भी किधर गया? पीएनएल क्रेडिट. वैसा अगर एक लाइन में दे दिया जो एनएम को देता है जानबूझ के, सिंगल लाइन ट्रायल बैलेंस विल हैव इन द क्वेश्चन. नो डेबिट क्रेडिट का बाइफर्केशन. सो इन दैट केस सिंगल लाइन, एक ही लाइन में दे देगा सब कुछ. तो कमीशन, इंटरेस्ट, अरे भाई तू कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट और रेंट, कुछ नहीं दिया तो डेबिट. इधर दिया है क्रेडिट साइड टू क्रेडिट. क्वेश्चन भी ढंग से नहीं दे सकते. हैरेसमेंट. सेंडरी क्रेडिटर्स, लायबिलिटी. हो गया ना? हो गया. चलो, स्टॉक ऑन 31st March 2011 वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 34,000. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स TC/A. Provide for depreciation on building at 2% and machinery at 10%. Remember the two effects of depreciation. Yes. क्या करने का? Minus from asset घटा PLD. लिख दो A minus and PLD. पीछे adjustment. अरे इधर पीछे नहीं, इधर. अरे सम के पीछे adjustment. Stock on 31st March 2011 valued at cost price is 34. TC/A. Provide for depreciation on building and machinery. Less from assets and P&L debit. My A minus and PLD. अरे depreciation. A minus and PLD. हो गया? Rent of 200 and salaries of 500 were outstanding. बोलो outstanding. Plus. Respective expense को add belongs to this year and liability की asset. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब बाकी है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ध्यान से पढ़ो. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. मिलना बाकी है, रिसीवेबल. एड टू इनकम, एड टू इंटरेस्ट इनकम एंड एसेट्स. पीएनएल क्रेडिट प्लस पीएलसी प्लस एन एसेट्स. Provide for reserve for doubtful debts at the rate of 5% on debtors. What is this? BD, FBD, NRDD or ORD? NRDD. I told you, NRDD and FBD will appear in adjustments. So what is this? FBD or NRDD? NRDD. Provide reserve for doubtful debts. कितना है? 5%. किसका 5%? Sundry debtors का 5%. Amount नहीं दिया है, percent दिया. तो अपने को सोचने का, डेटर्स का 5% शायद पैसा नहीं आएगा, तो इस साल हम लोग क्रिएट करेंगे. डेटर्स में से माइनस. एंड सेकेंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट. फॉर्मूला बताया ना अभी, तो पीएनएल डेबिट इन द फॉर्मूला एंड लेस फ्रॉम डेटर्स. पीएनएल डेबिट इन द फॉर्मूला एंड लेस फ्रॉम डेटर्स. हर एक सम में आज के बाद फॉर्मूला लिखना ही है पूरा. बैड डेट्स का पूरा फॉर्मूला लिख देने का. फिर जो आइटम्स है वो लिखो, जो नहीं है वो लिख. Goods of 1000 taken by Catherine for personal use but not recorded in the books of accounts. Drawings में add, capital में से minus और TC. TC देखो, purchase में से minus करना है लेकिन वो नहीं करना है, और TC में दिखा देगा.
सो टीसी एंड सी माइनस, टीसी एंड सी माइनस. अभी डॉट्स लेना है, डॉट्स याद है? डॉट्स का मतलब जो जो चीजों पे प्लस माइनस करना है ना उस पर डॉट्स डालने का. सो पुट वन डॉट ऑन बिल्डिंग, क्लोजिंग पुट वन डॉट ऑन बिल्डिंग, पुट वन डॉट ऑन मशीनरी, पुट वन डॉट ऑन बिल्डिंग, पुट वन डॉट ऑन बिल्डिंग, वन डॉट ऑन मशीनरी, गॉट इट? पुट वन डॉट ऑन रेंट, पुट वन डॉट ऑन सैलरी, वन डॉट ऑन रेंट, वन डॉट ऑन सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस. नहीं नहीं साथ में, अरे रेंट ही है वो 200 रुपया, साथ में दिखा रेंट एंड टैक्सेस कॉमन. रेंट एंड टैक्सेस पे किया डॉट, सैलरी पे किया डॉट, इंटरेस्ट पे किया डॉट, क्रेडिट वाला इंटरेस्ट पे, ओके डेटर्स पे किया. व्हाई डेटर्स पे? आईडी एनआरडी 5%. गुड्स ऑफ 1000 टेकन बाय कैथरीन पे कोई डॉट नहीं, दोनों एफ हाँ है उसमें, ड्रॉइंग्स है ना, तो कैपिटल पे डॉट, पुट अ डॉट ऑन कैपिटल. देखो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे दिख रहा है, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे उस पे एक डॉट. वंस अगेन आई रिपीट, बिल्डिंग पे एक डॉट, मशीनरी पे एक डॉट किया, रेंट पे एक, सैलरीज पे एक किया, हेलो देन इंटरेस्ट पे एक डॉट किया, कैपिटल डेटर्स पे एक और कैपिटल पे, ठीक है? आराम से करना साथ में क्लास समय. देखो फर्स्ट आइटम यू हैव इज व्हाट? Stock on 1/4/2010. Which stock is this? Opening stock, trading debit outer column 25. Drawings, capital में से less. Drawings, कितना है drawings? 10,000 है, less कर दो capital में से, बराबर. Inner column, क्यों inner column? Because परचेजेस आर ट्रेडिंग डेबिट, इनर कॉलम 75,000. सेल्स रिटर्न क्या करना है? लेस फ्रॉम सेल्स 1,000. सैलरीज, एनी डॉट? चेक व्हाट इज द डॉट. What is the adjustment? Two salaries 6,000. Add करना है less करना? Add outstanding salaries. कितना आएगा? 500. So outer column 6,500. बराबर है. रेंट एंड टैक्सेस, इज देयर एनी डॉट ऑन रेंट एंड टैक्सेस? यस. व्हाट इज द डॉट? चेक. ऐड करना है लेस करना? प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग. रीड रीड एडजस्टमेंट एंड टू ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट. कितना है? 200. सो आउटर कॉलम इट बी 1200. व्हाट इज इंश्योरेंस? इधर जाएगा इंश्योरेंस. पीएनएल डेबिट टू इंश्योरेंस 900. डॉट एंड कुछ नथिंग. सो आउटर कॉलम वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट 3,000. एनी डॉट ऑन वेजेस? चेक. नथिंग. सो आउटर कॉलम. गॉट इट? बिल्डिंग
Building. Any dot on building? Yes. What is the dot check? Let me see. What percentage? 2%. 10%. 2%. 2%. 2%. Building at 2%. 200. Outer column 9,800. Carriage. Where you put carriage? Trading debit. Who carriage? 2,000. Machinery. Where you put machinery? Asset. Inner column or outer column? Inner. 17,000 inner column. Any dot? Yes. What is the dot? Yes. What percent? Yes. Pay 10. 10%, that is what? 1,700. 15,300 in the outer column. Abhi debtors. Ekdam dhyan se dekhna debtors. First time there is a dot on debtors. Okay, and this adjustment will be there for almost all the sums, even in your paper, even in boards, 12th standard also. Sundry debtors, inner column how much? 24,000. Why inner column? Because adjustment there. What is the adjustment now? FPD or NRD? NRD. NRD. Do you have any further bad debts? Bad debts? Bad debts hai. Wo recorded wala hai. ऑलरेडी एंट्री हो चुका है बैड डेट्स टू डेटर, वो डेटर में से लेस हो चुका है, उसको करने की जरूरत नहीं है. फर्दर बैड डेट्स है कुछ सम में? नहीं. एनआरडीडी कितना है? 5%. तो लिखते वक्त ये हैबिट डालना, पहले करना लेस एफबीडी निल, लेस एफबीडी निल. एफबीडी नहीं है कुछ सम, ओके, इसी में एफबीडी निल कर देना. अगर है तो लिखना, नहीं है तो निल. ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? सपोज एफबीडी होता 1,000, एफबीडी होता 1, मतलब वो डेटर से पैसा नहीं आने वाला है, गॉन. सर मतलब वो एडजस्टमेंट में दिया, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा. फॉर द बैड डेट्स आर 1,000, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा. तो अगर 1,000 में सब्ट्रैक्ट करूं तो आई गेट हाउ मच? 23. नाउ यू थिंक एंड टेल मी, हम लोग जो रिजर्व क्रिएट करते हैं बैड डेट्स का, वो किस पे होगा? 24 पे होना चाहिए कि 23 पे होना चाहिए? क्यों 24 पे नहीं? समझा? वो तो हाथ उठा दिया, वो तो पैसा देने वाला नहीं है. तो जो डाउटफुल है, शायद पैसा नहीं देगा, मेरे को लगता है शायद नहीं देगा, उस पे आई विल क्रिएट ना. 1,00,000 का डेटर है, उसमें से 20 ने तो हाँ मना ही कर दिया, हम लोग पैसा नहीं देगा. बचा कितना?